अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भारत समाचार से खास बातचीत की। अखिलेश माया के गठबंधन को उन्होंने बताया धोखेबाजों का गठबंधन, सत्ता परिवर्तन के लिए सेक्युलर पार्टियों से करेंगे गठबंधन। कहा कांग्रेस से बात चल रही है, सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं। चुनावी समर नजदीक है, ऐसे में शिवपाल यादव ने आज तमाम राजनीतिक दल के अध्यक्षों के साथ बैठक की और समीक्षा की कि आने वाला 2019 का चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा। सर, आज बैठक में क्या कुछ निकल कर आया है सामने? देखिए, आज हमारे साथ 50 छोटे छोटे दल जिन्होंने एक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन मोर्चा बनाया है, तो उन्होंने सबने मिलकर के मुझे समर्थन दिया है सत्ता परिवर्तन के लिए, और सत्ता परिवर्तन करने के बाद हम व्यवस्था परिवर्तन लाएंगे देश में। सर, कांग्रेस जो है वो बातचीत कर रही है लगातार, कब तक फैसला हो जाएगा, सीट कितनी सीटों पर जो है वो राजी होंगे आप? देखिए, हम चाहते हैं कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं उनसे हम चाहते हैं गठबंधन हो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा मजबूत है, इस तरह के सपा और बसपा के नेता बात कर रहे हैं, वो बेमेल गठबंधन है, वो धोखेबाजों का गठबंधन है, उसका कोई भरोसा नहीं। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शिवपाल यादव। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है वो बेमेल गठबंधन है, धोखेबाजों का गठबंधन है, और कांग्रेस से उनकी बात लगातार जारी है सीटों पर बंटवारे को लेकर। कांग्रेस से जब पूरी बात मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद तय किया जाएगा कि कितनी सीटों पर प्रसपा चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन महीप सिंह के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।